रिसेंटली मेरे कजन की शादी हुई बंटी की, तो बंटी ना तुम्हारे फैमिली में एक वो कजन होता है जिसके सब मजे लेते हैं, और हमने कोशिश भी की नहीं लें कि सुधर जाए, अच्छा इंसान बन जाए, मजे नहीं लें, पर मैं ऐसे खड़े हो ना बंटी को नहीं, ये बंटी को नहीं हजम हुआ, बंटी ऐसा होता था कि निशांत क्या कर रहा है, मैं भाई कुछ नहीं थोड़े मजे ले ले, तो बंटी घर पहुंचा। तो दिल्ली में हर साल 2 लाख शादियां एक ही दिन होती हैं, पता नहीं कैसे। अब डील क्या है कि घोड़ियां तो 2 लाख है नहीं ना, घोड़ियां तो लिमिटेड ही हैं, तो जिसने पहले घोड़ी बुक कर ली उसको मिल गई। हम लोग बंटी के लिए घोड़ी बुक करने गए, तब तक घोड़ियां खत्म हो गई। तो फूफा जी बोले हाथी कर लेते, हाथी, हाथी की सूंड देखने में क्या मजा आता है, हाथी की, हाथी कर लेते हाथी। तो हम चाहते तो हाथी कर सकते थे, फूफा जी जैसा बोल रहे थे, पर मैं था मजे लेने के मूड में, भला ऐसा कुछ नहीं। और बंटी उधर से पहली बार शादी हो रही, घोड़ी भी नहीं मिल रही है। मैं तो रोना बंद कर, मैं ऐसा करते हैं, मैं बोला ऐसा करते अपन ना घोड़ी की जगह घोड़ा कर लेते, दूर से देख के थोड़ी पता चलता है। मुंह देख के थोड़ी कोई बता देगा, है ना। मैं तू चिंता मत कर, अपन चद्दर बद्दर से पूरा नीचे तक ढक देंगे ऐसे। अनलेस एंड अंटिल तेरा कोई हरामी दोस्त आके ऐसे चद्दर ही हटा दे। अरे ये तो बंटी को ऐसे बहला फुसला के घोड़े पे बिठाया कि कुछ नहीं होता, चलो चलो। तो बारात निकली, बैंड वाला जो गाना बजाना शुरू किया, तो बैंड वजह से हरामी एक गाना बजा के बंद हो जाए, फिर उनको 100 रुपये दो, फिर एक मैं जूक बॉक्स थोड़ी चल रहा है। तो मैं फूफा जी आगे 500 के नोट उड़ाने लगे ऐसे, हम हैरान क्योंकि फूफा जी महाकंजूस 500 के नोट उड़ा रहे, हम सब देख रहे भाई साहब सीन क्या है, दूल्हा तो 10 रुपये की माला पहन के बैठा है, और फूफा जी 500 500 मिनट, इतना कि 5 मिनट बाद ना बंटी घोड़े से उठ के नोट उठाने लगा। तभी फिर बैंड वाले को ना गाना चेंज कर दिया, उन्होंने गाना गाया नागिन डांस वाला। तो बंटी का दोस्त बन गया इच्छा धारी नाग, और वो नाचने लगा। अब वो इतना कन्विंस्ड है कि वो नाग है, कि वो नाच रहा है, और उसको नाचते नाचते लगा यार ये घोड़ा ना लेफ्ट आउट फील कर रहा है, हमें ना घोड़े को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बंटी का दोस्त घोड़े के मुंह के आगे जाके नाचने लगा ऐसे। घोड़े का दिमाग खराब, घोड़ा बोला साले इतने पैसे नहीं मिले, है ना, पहले तुमने क्रॉस ड्रेसिंग करवा रखी है, और ये लिपस्टिक उतारो, लिपस्टिक किसने लगाई पीछे। अच्छा जब वेन्यू पे पहुंचे ना, शादी के वेन्यू पे पहुंचे जहाँ पे, तो हम जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि ना दो फिरंगी कपल खड़े एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम, मतलब ये बंटी के घर वालों ने किराए पे लिए थे ताकि शादी महंगी लगे। ओह हो फिरंगी, वो भी प्योर वाइट, ओह अमीर शादी, काफी अमीर शादी। तो फिरंगी कपल ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चिपक के खड़े थे, दोनों कपल एकदम चिपक के, उनको देखते ही चाची शुरू हो गए। चाचा को बोलती है ये देखो इसे बोलते हैं प्यार, आज तक तुमने मेरा हाथ इतना टाइट, तुम खड़े पास छू के नहीं खड़े हो, देख रही हो कितना प्यार है, इनमें होता है प्यार। मैं चाची बोला चाची ऐसा है इनकी फटी पड़ी है, इन्होंने इतने सारे लोग एक साथ कभी देखे ही नहीं है, यहाँ पे बारात आना और ख़त्म ही नहीं हो रही है, बसों के बसें आए जा रही हैं, आए जा रही हैं, आए जा रही है, और फिरंगों की शादियों में आते हैं मैक्सिमम 40 लोग, 40 तो साल हमारे यहाँ डिवोर्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर चलो शादी आगे बढ़ाते हैं, ओके ऐसे फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, तो फोटोग्राफर नहीं मिल रहा। तो बोले कहाँ गया साला फोटोग्राफर, दहेज ज़्यादा पैसे तो उसने गए। तो दिल्ली की शादी ना मैं तो किसी भी शादी में कभी फोटोग्राफर नहीं मिल रहा हूँ ना, तो शादी की जो सबसे गुड लुकिंग हॉट बंदी है ना उसको ढूंढ लेना। तो एक बंदी यहाँ खड़ी है सबसे गुड लुकिंग, और उस बंदी का मुँह है उस तरफ, और यहाँ पे पीछे फोटोग्राफर खड़े होकर उसके पीछे से खिच 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 खिच। मैं गया,
मेरा जाके मन तो क्या खींच के थप्पड़ मारूं, पर मैं था मजे लेने के मूड में। मैं क्या कर रहा है साले, बोलता है कैंडिड। मैं सुन बे व्हाट्सएप करती हूँ। तो अच्छा फोटोग्राफर को क्या लगता है कि उसका फोटो शूट ही मेन इवेंट है, दो लोग शादी भी कर रहे हैं। कभी किसी वेडिंग फोटोग्राफर से पाला पड़ा है? तो भाई साहब यहाँ पे दुल्हन खड़ी, यहाँ पे बंटी खड़ा, वरमाला का टाइम की वरमाला, और यहाँ पे खड़ा है फोटोग्राफर, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, वीडियो भी वही बना रहा है। तो उस करते तो जैसे ही बंटी ने माला पहनाई, फोटोग्राफर बोला यार ऐसे नहीं, ढंग से आपको आता ही नहीं यार, पहली बार कर रहे हो। बंटी ने फिर से इधर आओ, आप इधर खड़े हो, माला मेरे को दो, ध्यान से देखो ये, ऐसे 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 नहीं, 90 डिग्री नहीं, 90 रात को ऐसे। फिर जब चौथी बार फाइनली फोटोग्राफर के हिसाब से वरमाला सही गई, इतने में जब ये चौथी बार फोटोग्राफर अब सेटिस्फाइड है, तो बंटी के हरामी दोस्तों को याद आया कि यार अपन ने वाली रस्म तो की नहीं जिसमें दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाते हैं। तो बंटी के दोस्तों ने बंटी को उठा लिया, क्योंकि बंटी सीखचा सा, सीख एकदम पतला सा, मरियल सा, दोस्तों ने एक अकेले नहीं उठा लिया, दुल्हन थोड़ी मेरे जैसी, तो दुल्हन के उठाने की बराई, तो दुल्हन के सारे स्टार एक साथ पीछे, दुल्हन पीछे देख रही है ऐसे, दीदी मेरे तो कमर में जुकाम है। दीदी मामा जी हाँ बेटा क्रेन मंगाइए। तो ऑकवर्ड ऑकवर्ड हो रहा है कि दुल्हन खड़ी है, 5 मिनट से बंटी लटका ऊपर, सब सोच रहे क्या करी, दोस्त को कि मान नहीं रहे कि नहीं नहीं भाई साहब वरमाला तो ऐसी होगी। तो इतनी देर में ना दुल्हन के पीछे से एक भारी से आवाज आती है, इसको मैं उठाऊंगा। देखा तो दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड, उसने आके पीछे से दुल्हन को ऐसे मस्त उठाया सर, कंफर्टेबली, देख के पता चल रहा था कि पहली बार नहीं उठाए। बंटी का पूरा शरीर लाल खून से जल के, बंटी ऊपर से दोस्तों को गाली दे रहा कि सब सही हो गया था भाई, क्या जरूरत थी तुमको, है शादी मेरी साल हनीमून वो मना रहे। तो माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए सब डांस फ्लोर में, सब डांस फ्लोर नाचेंगे, डांस फ्लोर डांस फ्लोर, पूरा का पूरा परिवार डांस फ्लोर, सबके सब एक्सेप्ट फूफा जी। फूफा जी का डांस करने का बहुत मन है, बहुत ही ज्यादा, पर कोई पूछे तो सही। फूफा जी इतने तैयार हैं कि कोई फूफा जी खड़ो, कौन बुलाया, तो फाइनली किसी ने बुलाया नहीं, पर हुआ ऐसे ही कि नाचते नाचते ना किसी की सांस फूल गई, फूफा जी आ गए। तो फूफा जी आके, फूफा जी देखा कि ऑलरेडी सारे डांस स्टेप तो हो चुके हैं, मैं ऐसा क्या नया कर दूं जो एकदम ही अलग हो, जो एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स, दूसरा वाला। तो फूफा जी ने दिमाग, फूफा जी ने विस्की का ग्लास जो हाथ में था उसको सर पे रख लिया, सर पे ऐसे बीच में रख के और पेटना लगे। फूफा जी को लग रहा है कि वो किल कर रहे, कि ओहो मचा दिया मैंने, तो खत्म कर दिया, यही तो है, अभी इंडियाज गॉट टैलेंट होता तो गोल्डन बजर दबता ऐसे। फिर भी फूफा जी को लगा कि ना अभी भी उतना टेंशन मिल नहीं रहा जितना डिजर्व करते हैं। फूफा जी देखा कि हमारे घर की एक दीदी बैठी थी, उनके गोद में उनका बच्चा था, फूफा जी उसका बच्चा छीन रहा है डांस फ्लोर, लाच चुन्नू चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, चुन्नू 1 साल का चुन्नू, एक उसने चुन्नू बोला कि साले चलना कल सीखा है। किसी ने पहले बताया क्यों नहीं, शादी में ऐसे लोग भी होंगे। चुन्नू बेचारा बैलेंस नहीं कर पा रहा, फूफा जी चुन्नू नाच, चुन्नू नाच, नाच चुन्नू नाच, चुन्नू की फटी पड़ी है, चुन्नू को लग रहा वो अगवा हो गया।
इतना इतना डर, एक साल का बच्चा था, इतना डर के चुन्नू ने सुसु कर दी ऐसे पूरी धार, ऐसे पूरी पूरे डांस फ्लोर पे, जो सबने देख लिया क्या रहे सब पीछे गए एक्सेप्ट फूफा जी। फूफा जी फूसुनो जी चुनू ना चुनू ना, फूफा जी का पैर पड़ा सुसु पे, फूफा जी फ्लैट। सब लोग अंदर से इतना खुश, पर बाहर से कितना बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ, कितना बुरा, बहुत ही बुरा, कितना बुरा। चुन्नू की चुन्नू पे कंट्रोल नहीं, बहुत ही बुरा। तो डीजे ने देख लिया कि मामला गर्म हो रहा है, तो फिर से उसने ऐसे लाइट करने के लिए गाना चेंज कर दिया। डीजे ने गाना लगा दिया, पर हो जा सोनिए साड़ी रेल, इसमें तो ट्रेन बनती है, इस गाने में तो ट्रेन बनती है। तो लोगों ने ट्रेन बना ली, बंटी इंजन बन गया एकदम, आगे लग के ट्रेन चल रही। फूफा जी लेटे हुए अभी भी किसी ने उठाया नहीं, जहाँ फूफा जी बीच में, लोग कूद के चले गए ऊपर से ऐसे। तो यहाँ सब तो ठीक था, अचानक से ना बंटी का नाड़ा खुल गया और पजामा नीचे हो गया पूरा। तो मैं सोचा कि रोक के ना पजामा ऊपर कर देता हूँ। मैं तो था मजे लेने के मूड में। मैं बंटी बोला, अरे चलने दे पागल, तेरी शेरवानी बहुत लंबी है, तो जो लोग ऐसे दिखता थोड़ी है इतनी लंबी, यहाँ से क्या दिख रहा है, चलने दे। पर जितनी बार फूफा जी के ऊपर से कूद के जा रहा हूँ, फूफा जी सूट दिख गई। थैंक यू गाइस, मेरी शांति अमेजिंग, थैंक यू।